महिंद्रा XUV300 फेसलिफ्ट को लॉन्च होने में थोड़ा सा डिले हो रहा है। अभी डिले क्यों हो रहा है उसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं, उसके पीछे हम नहीं भागेंगे, लेकिन इनफैक्ट हम ये चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कि अगर आप एज अ कस्टमर वेट करना चाहते हो कि आपको मतलब आपको एक बार ही एटलीस्ट देखना है कि 300 फेसलिफ्ट के साथ में क्या चीज़ें आती है, उसके बाद आप डिसीजन लेना चाहते हो सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV के सेगमेंट से कौन सी गाड़ी को परचेस किया जाए, तो इस वजह से मतलब ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, आपको अपनी रियल लाइफ कंडीशन के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा कि आपको क्यों वेट करना चाहिए 300 फेसलिफ्ट के लिए। बिना किसी देरी के स्टार्ट करें तो सबसे पहले अगर आपको स्ट्राइकिंग डिज़ाइन चाहिए, क्योंकि 300 फेसलिफ्ट के साथ में जो है कैरेक्टरिस्टिक गाड़ी के थोड़े बहुत डिज़ाइन लैंग्वेज की टर्म्स के अंदर चेंज होने वाले हैं, तो इनफैक्ट रियर के अंदर आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स देखने को मिल जाएंगे, फ्रंट एंड रियर दोनों ही बम्पर आपको रीडिज़ाइन कम्प्लीटली चेंज हुए देखने को मिलेंगे, प्रिसीजन कट्स अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिलेंगे, सिंगल पेन सनरूफ से थोड़ा सा बड़ा सनरूफ आपको देखने को मिलेगा, ड्यूअल टोन पेंट स्कीम के साथ में गाड़ी देखने को मिलेगी। तो अगर आपको पर्टिकुलर वो डिज़ाइन लैंग्वेज पसंद है तो फिर डेफिनेटली आप वेट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन होता है फीचर्स का, अगर आपको फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स चाहिए, फॉर एन एग्जाम्पल बात करें एडास की, तो लेवल 1 का एडास 300 फेसलिफ्ट के साथ में आएगा, उसके चांसेस थोड़े बहुत है, हालांकि अभी तक सेगमेंट में नहीं आया है और इस वजह से महिंद्रा के पास मतलब फुल्ली अभी उन लोगों के पास टाइम है, और गाड़ी के साथ में अगर वो लोग लेवल 1 का एडास देते हैं तो फिर डेफिनेटली वो लोग मार्केट के अंदर बूम करेंगे, मतलब ऑलमोस्ट क्रैक कर देंगे इन टर्म्स ऑफ फीचर्स को, फीचर्स के मामले में वो लोग फर्स्ट इन सेगमेंट आ जाएंगे। तो ये चीज़ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी 300 फेसलिफ्ट के फीचर्स क्या है वो तो हम आपको रेगुलरली जो डिटेल में वीडियोस आता है लॉन्च और प्राइस का उसके अंदर तो बताते ही है, बाकी ये सारी चीज़ें अभी चल रही है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, और मैंने आपको बता दिया डिज़ाइन। और एक चीज़ की बात करें तो वहाँ पे आती है प्राइसिंग और वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस। महिंद्रा अपने 700 और स्कॉर्पियो N के साथ में मतलब वो दोनों प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद वो लोग थोड़ा बहुत अच्छे से मतलब फिगर आउट कर पाए इंडियन मार्केट को, तो कैसे टैकल करना है, कौन से वेरिएंट को कैसे प्राइस करना है, वो अभी थोड़ा बहुत तो मतलब इंडियंस को क्या चाहिए वो उन लोगों को अच्छे से पता चल रहा है। तो इस वजह से आप डेफिनेटली मतलब वेट करके इतना तो देख ही सकते हो कि प्राइसिंग आपके बजट के अंदर आती है या नहीं आती है, क्योंकि एडास वगैरह भी आने वाला है, तो इस वजह से उस हिसाब से भी आप सोच सकते हो प्राइसिंग को क्रॉस चेक करके। और एक बारी गाड़ी लॉन्च हो जाती है या फिर लॉन्च करीब आता है तो हम भी आपको प्राइसिंग तो एग्जैक्ट पिन पॉइंट एक्यूरेट भी बता सकते हैं। तो इस वजह से अभी से जुड़ जाइए चैनल के साथ में, सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो अपने ऑटो एंथुजियास्ट फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दो, ताकि वो भी किसी और को अगर रिकमेंडेशन देना हो तो दे सके या फिर सजेशन दे सकते। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ड्राइव सेफ, थैंक यू।